नमस्कार, मैं सुगंधा श्रोत्रिय आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। पूर्ण रूप से स्वदेशी रोहिणी 1 उपग्रह को आज के दिन किया गया था प्रक्षेपित। 18 जुलाई 1980 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पूर्ण रूप से भारत में निर्मित उपग्रह रोहिणी 1 को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। यह एक प्रयोगात्मक स्पिन स्थिर उपग्रह था जिसमें 16 वाट ऊर्जा का इस्तेमाल होता था। रोहिणी 1 उपग्रह का कक्षीय जीवन 20 महीने था। रोहिणी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा शुरू की गई उपग्रहों की एक श्रृंखला थी। रोहिणी श्रृंखला में 4 उपग्रह थे जो सभी भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किए गए थे। आज के दिन ब्रिटिश संसद ने पारित किया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। 18 जुलाई का दिन भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में बहुत महत्व रखता है। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने जो भारत स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था उसे 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया था। यह विधेयक स्वतंत्र भारत के स्वरूप के निर्धारण के लिए था और इसी के आधार पर भारत की आजादी की तिथि 15 अगस्त 1947 तय की गई थी। इसी अधिनियम के तहत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान की सीमाएं निर्धारित करने के लिए सीमा आयोग के गठन की बात कही गई थी। इसी के तहत पंजाब और बंगाल के विभाजन का प्रावधान किया गया था। आज के दिन हुआ था दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का जन्म। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को वेजो ईस्टर्न कैप दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था। अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला शांति दूत के रूप में जाने जाते हैं। महात्मा गांधी की तरह अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ लड़ते हुए 27 साल जेल में काटे थे। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंगभेदी विरोधी संघर्ष में उनके योगदान को देखते हुए उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मंडेला दिवस घोषित किया था और तब से हर साल उनके जन्मदिन के दिन मंडेला दिवस मनाया जाता है। बम्बई विश्वविद्यालय की आज के दिन की गई थी स्थापना। बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना ब्रिटिश अधिकारी डॉक्टर जॉन विल्सन ने 18 जुलाई 1857 को की थी। विश्वविद्यालय के प्रारंभिक भवनों का डिजाइन गिलबर्ट स्कॉट ने तैयार किया था। यह 15वीं शताब्दी के इटालियन भवन जैसा दिखता है। इसका भवन, विशालकाय पुस्तकालय, कॉन्वोकेशन हॉल और 18 मीटर ऊंचा राजाबाई टावर बहुत सुंदर है। विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 1953 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी एक्ट लागू किया गया था। 4 सितंबर 1996 को बम्बई विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मुंबई विश्वविद्यालय कर दिया गया था। मुंबई विश्वविद्यालय सांता क्रूज के कलीना में स्थित है और इसका परिसर 230 एकड़ में फैला हुआ है। विश्वविद्यालय में 60 से अधिक विभाग हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी के द्वारा 18 जुलाई दिन रविवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है यश प्रतिष्ठा। मेष, आपकी यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 81% है। छात्रों के लिए समय थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। ऋणभार से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में तरक्की हो सकती है। बाहरी स्थानों से हानि संभव है। रुके हुए काम बनने के योग है। शुभ रंग लाल व सिंदूरी व निषेध रंग नीला व काला है। वृष, आपकी यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 52% है। कार्य क्षेत्र में आप कड़ी मेहनत करेंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे अवसर मिलेंगे। यात्रा के योग है। शुभ रंग सफेद व निषेध रंग सलेटी है। मिथुन, आपकी यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 70% है। आपकी आय बढ़ेगी। बेरोजगारों को नौकरी के लिए अभी और भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग है। शुभ रंग हरा लाल तथा निषेध रंग पीला व सफेद है। कर्क, आपकी यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 55% है। नए सहयोगी मिलेंगे और आपका रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। वित्तीय मामलों से जुड़े फैसले कुछ समय के लिए टाल दें। आपके खर्च बढ़ेंगे। प्रोफेशन में विपरीत लिंग के व्यक्ति से मदद मिल सकती है। शुभ रंग नारंगी व लाल तथा निषेध रंग हरा व काला है। सिंह, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 91% है। कोई शुभ समाचार संभव है। सेहत में मंद गति से सुधार होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले परिजनों में किसी अंतरंग अथवा विश्वासपात्र व्यक्ति की सलाह लेना जरूरी होगा। शुभ रंग लाल व गुलाबी व निषेध रंग नीला व काला है।
कन्या, आपकी यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 71% है। भाग्य को भी अपने इर्द गिर्द महसूस करेंगे। परिणामों का असर मिला जुला रहेगा। कुछ मोर्चों पर समझौता करना पड़ सकता है। आपका परिश्रम व्यर्थ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्ति के योग है। शुभ रंग हरा व लाल तथा निषेध रंग मस्टर्ड व सिंदूरी है। तुला, आपकी यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 42% है। कोई परेशानी आ सकती है परंतु आप उसे आसानी से हल कर लेंगे। धार्मिक यात्रा को व्यस्तता के चलते निरस्त करना पड़ सकता है। निराशा रहेगी। संतति से संबंधित उपलब्धि से गर्व का अनुभव होगा। स्थान परिवर्तन के योग है। शुभ रंग लाल व निषेध रंग सफेद है। वृश्चिक, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 76% है। किसी परिजन को लेकर भी चिंता रह सकती है। अनुकूल समय का लाभ उठाएं। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। परीक्षार्थियों को अपेक्षित परिणाम न प्राप्त होने से निराशा के योग है। शुभ रंग लाल व सिंदूरी व निषेध रंग भूरा व काला है। धनु, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 72% है। जल्दबाजी में अपना मोटा पैसा किसी गलत योजना में लगा सकते हैं। सब्र से काम लें। पेशेवर स्तर पर अपनी क्षमता साबित करने में सफल रहेंगे। योजना बनाकर सूझबूझ के साथ अपने कार्यों को करते जाएं। शुभ रंग पीला व बसंती तथा निषेध रंग हरा व काला है। मकर, आपकी यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 46% है। नौकरी की दृष्टि से समय लाभप्रद रहेगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा परंतु अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उत्साह एवं पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग है। शुभ रंग गुलाबी व निषेध रंग काला है। कुंभ, आपकी यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 47% है। किसी महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि के योग है। भाग्य भी आपके साथ है। विशेष रूप से अपने प्रदर्शन पर ध्यान दें। बहुप्रतीक्षित कार्य के संपन्न होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्ति के योग है। शुभ रंग गुलाबी व निषेध रंग सलेटी है। मीन, आपकी यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 78% है। नौकरी पेशा वर्ग के लिए समय अनुकूल है। नौकरी पेशा लोगों को अच्छी खबर मिलने के योग है। निवेश करते समय पूरी तरह सावधान रहें। व्यापार विस्तार की योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर पाने के योग है। शुभ रंग पीला व लाल तथा निषेध रंग हरा व काला है। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय 5:34 से 7:18 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए INT मीडिया।